Hello friends, welcome to LearningSTAN, learn to know and know to learn. आज का यह लेक्चर क्विक रिवीजन सीरीज का पार्ट 2 है, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि क्वेश्चन को रीड करने के बाद वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए. सॉल्व करने के बाद आप मेरे बताए हुए आंसर से अपने आंसर को मैच करा लीजिए. ओके, यदि आप इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर को कंप्लीट होने के बाद आप पार्ट 1 भी देख लीजिए. ये सीरीज RRB-JE CVT 2 के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट हमारी नई नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. क्वेश्चन नंबर 1, ये कहता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन रेसिस्टेंस एंड द लोड करंट रेस्पेक्टिवली अक्रॉस द लोड रेसिस्टर इन द गिवन सर्किट बिलो. यानी कि ये क्वेश्चन में कहा है कि आप इस लोड के अक्रॉस VTH और RTH फाइंड आउट करिए, साथ ही इस लोड में फ्लो होने वाले लोड करंट की वैल्यू फाइंड करिए. दिस इज द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के लिए मैं हिंट दे देता हूं कि सबसे पहले आप इस लोड को रिमूव करिए. रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है, यानी कि दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है नेटवर्क का, इस पार्ट को आप कंसीडर करके यहां पर जो दो टर्मिनल बनने वाले होंगे, सपोज टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी, तो आप टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस VTH एंड RTH फाइंड आउट करेंगे. जब आपको VTH और RTH की वैल्यू मिल जाएगी तब आप इस सर्किट को थेवेनिन्स मॉडल में कन्वर्ट करेंगे लाइक दिस. ये होगा VTH और दिस वन इज RTH. यहाँ पर ये दोनों टर्मिनल ए बी हैं जो कि हमने यहाँ पर एज्यूम किया था. इसके बाद आपको क्या करना है, जिस लोड को आपने रिमूव किया था ये लोड आप यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए. दिस इज 5 ओम. लोड कनेक्ट करने के बाद ये सर्किट कंप्लीट हुआ और इसमें जो करंट फ्लो करेगा IL, आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए. इसके साथ ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. मैं आपको यहाँ आंसर बता देता हूँ. VTH की वैल्यू आपको मिलेगी 60 वोल्ट. जब आप RTH फाइंड आउट करेंगे तो वो आपको आएगा 22 ओम. और यहाँ पर 60 वोल्ट, यहाँ पर 22 ओम जब आप पुट करेंगे, उसके बाद जो लोड करंट आपको मिलने वाला है दैट विल बी इक्वल टू 2.22 एम्पीयर. यहां से आप देख के ये बता सकते हैं कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 2, ये कहता है कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ करंट आई थ्रू द लोड रेसिस्टेंस फॉर द गिवन सर्किट बिलो. यहां पर करंट आई है और इसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. तो इसके लिए सिंपली आप क्या करोगे, यहां पर आप एक नोड एज्यूम करोगे और इस नोड का वोल्टेज इज वी. उसके बाद आप इस नोड पर KCL अप्लाई करिए. KCL अप्लाई करने के बाद आपको इस नोड के वोल्टेज वी की वैल्यू मिल जाएगी. जब यहां का वोल्टेज आपको मिल जाएगा वोल्टेज वी, तो आप इस ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ दिस रेसिस्टेंस, यानी कि वी अपॉन 8. फाइनली जो आपको आंसर मिलने वाला होगा वो होगा 1.21 एम्पीयर. यहां से देखिए कौन सा आंसर सही है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3, ये कहता है कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 10 ओम रेसिस्टर इफ अ सोर्स ऑफ 8 वोल्ट विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम इज कनेक्टेड एट PQ टर्मिनल विथ पॉजिटिव टर्मिनल एट P. इसका मतलब है कि सबसे पहले आप PQ टर्मिनल, यानी कि इस टर्मिनल पर एक बैटरी कनेक्ट करेंगे जिसका पॉजिटिव टर्मिनल P की तरफ होगा, यानी कि लाइक दिस. दिस इज 8 वोल्ट सोर्स और क्वेश्चन में कहा है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है. तो वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, इसलिए हम यहां पर 1 ओम का एक रेसिस्टर कनेक्ट करेंगे. तो इसके लिए आप इस सर्किट को
सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें कि यहां पर एक करंट सोर्स गिवन है जिसे आप वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहां पर एक नोड एज्यूम करिए जिसका कि वोल्टेज आप एज्यूम करिए वी। फिर आप इस नोड पर केसीएल अप्लाई करिए। केसीएल अप्लाई करने के बाद आपको नोड वोल्टेज वी की वैल्यू मिल जाएगी, और जब आपको वी की वैल्यू मिल गई तो इसमें फ्लो होने वाले करंट आई की भी वैल्यू मिल जाएगी। आई विल बी इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय 10 ओम। ओके, तो यहां से फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा वो होगा 0.7916 एम्पीयर। यानी कि आप यहां से कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है कि द लेंथ ऑफ अ कॉपर वायर इज इंक्रीज बाय 2%, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेसिस्टेंस। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करिए। मैं यहां पर हिंट दे देता हूं कि क्वेश्चन में कहा है कि वायर का लेंथ इंक्रीज हुआ है बाय 2%, यानी कि वायर का लेंथ पहले एल था, अब इंक्रीज होके 1.02L हो चुका है। चूंकि इस वायर के वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं मेंशन है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, और जब वायर का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो लेंथ बढ़ने से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाएगा। इसका मतलब यदि पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था तो अब घटने के बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय 1.02। इसके बाद आप क्या करेंगे कि दिस इज न्यू लेंथ एंड दिस वन इज न्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया। इन दोनों को यूज करके आप न्यू रेसिस्टेंस फाइंड आउट करिए, जिसकी वैल्यू आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी 1.02 मल्टीप्लीकेशन विथ 1.02 मल्टीप्लीकेशन विथ ओल्ड रेसिस्टेंस। ओके, यहां से आप परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करिएगा तो आपको आंसर आएगा 4.04% इंक्रीमेंट ऑफ दिस रेसिस्टेंस। यानी कि आप कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है कि अ सोलेनोइड ऑफ इंडक्टेंस 250 मिली हेनरी एंड रेसिस्टेंस 10 ओम इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। द टाइम टेकन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी टू रीच 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। यहां देखिए, ये है हमारा सर्किट जिसमें फ्लो होने वाले करंट का कुछ इस तरीके से इक्वेशन आएगा। आई विल बी इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय 10 दिस रेसिस्टेंस 10 मल्टीप्लीकेशन विथ 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय टाउ। टाउ इज द टाइम कॉन्स्टेंट, तो सबसे पहले आप टाइम कॉन्स्टेंट ही फाइंड आउट कर लीजिए। टाउ विल बी इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय आर। इंडक्टेंस की वैल्यू है 250 मिली हेनरी और रेसिस्टेंस गिवन है 10 ओम। तो यहां से आप टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करिएगा। 250 मिली हेनरी डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 25 मिली सेकेंड, ये होगा टाउ की वैल्यू। यहां देखिए, इस करंट के इक्वेशन में ये जो वी डिवाइडेड बाय 10 है, दिस इज मैक्सिमम करंट आई एम। मैक्सिमम करंट जो कि इस इंडक्टर से फ्लो होगा एट स्टेडी स्टेट, दैट विल बी इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय 10। तो इसे हमने आई एम एज्यूम किया। अब यहां से आप ये कह सकते हैं कि जिस टाइम इस इंडक्टर में मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा होगा, यानी कि आई एम करंट फ्लो हो रहा होगा, उस टाइम पे इस इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड है दैट विल बी मैक्सिमम एंड ई मैक्स विल बी इक्वल टू 1/2L मैक्सिमम करंट स्क्वायर। ओके, अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में कहता है कि टाइम टेकन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी टू रीच 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि आप वो टाइम बताइए जिस टाइम पर इंडक्टर में स्टोर होने वाली एनर्जी इसके मैक्सिमम एनर्जी का 1/4 हो, यानी कि स्टोर्ड एनर्जी उस टाइम पर मैक्सिमम एनर्जी डिवाइडेड बाय 4 हो। तो इसके लिए आप इक्वेशन को देखिए, यहां से आपको ये पता चलेगा कि em बाय 4 एनर्जी के लिए जो करंट की वैल्यू होनी चाहिए दैट विल बी im बाय 2। ओके, क्लियर है ये पॉइंट। यानी कि यहां से आप ये कह सकते हैं जिस टाइम पर इंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट
उसके मैक्सिमम करंट का हाफ हो, उस टाइम पर उसमें स्टोर होने वाली एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी का 1/4 होगा। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ने का नज़रिया थोड़ा चेंज करिए और यहाँ आप कुछ इस तरीके से इसे पढ़ सकते हैं कि द टाइम टेकन फॉर द करंट टू रीच हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि आप वो टाइम बताइए जितने टाइम बाद इंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट ये आई मैक्सिमम करंट का हाफ हो जाए, यानी कि आई एम बाय टू हो जाए। तो यहां से आप इस दोनों को इक्वेट करिए, इस आई को आप लिख सकते हैं आई एम इंटू वन माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय टाउ। ओके, इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं। और क्वेश्चन में कहा है आप वो टाइम बताइए जिस पे ये करंट, ये आई करंट आई एम बाय टू हो जाए, तो दिस विल बी इक्वल टू आई एम बाय टू। जब आप इसे इक्वेट करेंगे तो कितना मिलेगा, वन माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी बाय टाउ इज इक्वल टू वन बाय टू। इसे आप सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा ई रेज टू द पावर माइनस टी बाय टाउ इज इक्वल टू वन बाय टू। यहां पर आप दोनों साइड नेचुरल लॉग यानी कि ln अप्लाई करिए, वो होगा ln ई रेज टू द पावर माइनस टी बाय टाउ इज इक्वल टू ln हाफ। ओके, यहां तक तो क्लियर है। अब इसको देखिए, इसे हम लिख सकते हैं माइनस टी डिवाइडेड बाय टाउ और इसे हम ln 1 बाय टू ही लिखेंगे अभी। अब आपको क्या करना है, इस माइनस साइन को आप इस साइड लेके आइए, तो यहां से देखिए t डिवाइडेड बाय टाउ विल बी इक्वल टू माइनस ln 1 बाय टू। यहां से आप लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई करिए तो ये माइनस 1 बाय टू के पावर में आ जाएगा, जैसे कि ln 1 बाय टू टू दी पावर माइनस 1। तो आप लिख सकते हैं कि t डिवाइडेड बाय टाउ इज इक्वल टू ln 1 बाय टू टू दी पावर माइनस 1। और जब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं ln 2। ओके, t डिवाइडेड बाय टाउ इज इक्वल टू ln 2, ये होगा आपका इक्वेशन। यहां से आप टाइम की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, t विल बी इक्वल टू टाउ मल्टीप्लीकेशन विद ln 2। यहां पे टाउ की वैल्यू पुट करिए जो हम यहां फाइंड आउट कर चुके हैं 25 मिलीसेकंड, यानी कि 25 डिवाइडेड बाय 1000। इट मींस टाउ विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 40। आप यहां पर 1 डिवाइडेड बाय 40 पुट करिए तो t विल बी इक्वल टू 1 बाय 40 मल्टीप्लीकेशन विद ln 2। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो अब आप ऑप्शंस को देखिए, यहाँ ऑप्शन डी में गिवन है 1 बाय 40 log टू द बेस e 2। यहाँ पर log टू द बेस e मतलब ln। ओके, सो फाइनली ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है कि एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द इम्पेडेंस ऑफ द सीरीज आरएलसी सर्किट इज व्हाट। तो इसका आंसर होगा प्योरली रेसिस्टिव, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है कि इन द सर्किट वी इज द इनपुट वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर ऑफ 2 फेराड, करंट थ्रू द कैपेसिटर इज व्हाट। यहां पर गिवन वोल्टेज वी है जिसका वेवफॉर्म हमें दिया हुआ है। अब हमें बताना है कि इस 2 फेराड के कैपेसिटर में किस तरह का करंट फ्लो करेगा। ओके, जैसा कि हमें पता है कि करंट थ्रू द कैपेसिटर आई इज इक्वल टू सी डी वी अपॉन डी टी। यहां पर सी है कैपेसिटेंस की वैल्यू जो कि गिवन है हमें 2 फेराड, यानी हम यहां लिख सकते हैं कि करंट थ्रू द कैपेसिटर इज इक्वल टू 2 dv अपॉन डी टी। यहां से dv अपॉन डी टी का मतलब है स्लोप, स्लोप ऑफ द वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ। यहां पर वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ का जब आप स्लोप फाइंड आउट करेंगे कि वो किस तरह का होगा, उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको करंट का वेवफॉर्म मिल जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्लोप होता क्या है। सिंपल फॉर्म में यदि मैं कहूं तो स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, यानी कि चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस।
यही तो कहलाता है हमारा स्लोप। तो अब इस वोल्टेज के ग्राफ को देखते हैं। वोल्टेज के इस ग्राफ में आप 0 से 1 टाइम के लिए आप स्लोप देखिए कितना है, 10 - 0 / 1 - 0, यानी कि स्लोप यहां पर आपको मिलेगा +10। ओके, नाउ टाइम फ्रॉम 1 to 3, यानी कि इस टाइम पीरियड के लिए आप इस ग्राफ का यदि स्लोप देखेंगे तो आपको मिलेगा 10 - -12 / 2, यानी कि ये जो स्लोप की वैल्यू होगी दैट विल बी -11। नाउ टाइम फ्रॉम 3 to 5 सेकेंड, इसके लिए इस ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट इज +11। अब आपको 3 अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए स्लोप की वैल्यू मिल चुकी है, यानी कि dv/dt की वैल्यू मिल चुकी है। तो आप करंट की वैल्यू फाइंड आउट करिए कि i will be equal to 2 times of slope। तो फर्स्ट 0 to 1 सेकेंड के लिए आप देखिए स्लोप है 10, तो करंट की वैल्यू होगी 10 into 2, यानी कि 20। 0 to 1 सेकेंड के लिए जो करंट की वैल्यू है दैट इज 20 एम्पियर। ओके, नाउ फ्रॉम 1 to 3 सेकेंड स्लोप इज -11, इट मीन्स करंट विल बी इक्वल टू -11 × 2 - 22, दिस इज -22 फ्रॉम 1 to 3 सेकेंड। नाउ फ्रॉम 3 सेकेंड to 5 सेकेंड द स्लोप इज 11, सो द करंट विल बी 11 × 2, इट मीन्स +22। कुछ इस तरह का करंट का ग्राफ मिलेगा आपको। तो आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। यहां से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ये कहता है कि द कलर ऑफ द लाइट गिवन आउट बाय अ सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैंप इज व्हाट। तो इसका आंसर होगा येलो कलर, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ये कहता है कि एज पर IE रूल्स द परमिसेबल वेरिएशन ऑफ वोल्टेज एट द कंज्यूमर एंड इज व्हाट। तो वोल्टेज वेरिएशन के लिए जो परमिसेबल वैल्यू है दैट इज ±6%। यदि यहां पे फ्रीक्वेंसी पूछता तो फ्रीक्वेंसी के लिए 3% है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ये कहता है कि फॉर ट्रांसमिशन लाइन्स स्टील पोल्स आर जनरली यूज बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट गिवेन है। स्टेटमेंट ए कहता है कि इट हैज मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड मोर लाइफ। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। स्टेटमेंट बी कहता है इट ऑक्युपाइज लेस स्पेस एंड गिव बेटर अपेयरेंस। स्टेटमेंट बी भी सही है। स्टेटमेंट सी कहता है कि इट हैज हाई कॉस्ट। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि किसी भी पोल का यदि कॉस्ट हाई होगा तो उसकी वजह से हम उसे यूज तो नहीं करेंगे। तो यहां पर स्टेटमेंट ए और बी ये दोनों सही हैं, तो आप ऑप्शन सी को मार्क करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। ये कहता है कि द पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस ऑफ 3-phase सिंक्रोनस जनरेटर आर J0.5 per unit, J0.3 per unit एंड J0.2 per unit रेस्पेक्टिवली। When symmetrical fault occurs on the machine terminals, find the fault current. The generator neutral is grounded through the reactance of J 0.1 per unit. यानी कि इस क्वेश्चन में आपको फॉल्ट करंट फाइंड आउट करना है, जबकि जो फॉल्ट का टाइप है दैट इज सिमेट्रिकल फॉल्ट। और जब सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां से सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस ही हमारे लिए यूजफुल होगा। तो देखते हैं कि जो फॉल्ट करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू पॉजिटिव सीक्वेंस करंट IR1। दिस विल बी इक्वल टू E/X1। यहां पर सारे कैलकुलेशन पर यूनिट में होंगे, यहां पर कोई एक्चुअल यूनिट यूज नहीं होगा। तो अब फॉल्ट करंट को फाइंड आउट करिए। दिस विल बी इक्वल टू E1 per unit, पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस X1 गिवेन है J 0.5 per unit। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा -J 2 per unit। दिस इज द वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट। तो यहां से आप कौन से आंसर को मार्क करेंगे,
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12. ये कहता है कि एन इक्विपमेंट हैज एन इम्पेडेंस 0.9 पर यूनिट टू अ बेस ऑफ 20 MVA 33 किलो वोल्ट. नाउ क्वेश्चन में ये कहता है कि टू द बेस ऑफ 50 MVA 11 किलो वोल्ट द पर यूनिट इम्पेडेंस विल बी वॉट. इसके लिए आप एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए कि जेड पर यूनिट न्यू विल बी इक्वल टू जेड पर यूनिट ओल्ड मल्टीप्लीकेशन विद किलो वोल्ट बेस ओल्ड डिवाइडेड बाय किलो वोल्ट बेस न्यू का होल स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन विद एमवीए बेस न्यू डिवाइडेड बाय एमवीए बेस ओल्ड. जब आप यहां पे सारे वैल्यूज को पुट करेंगे तब आपको जेड पर यूनिट न्यू मिलेगा 20.25 पर यूनिट, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, यहां पर आप याद रखिए कि जेड पर यूनिट फाइंड आउट करने के लिए ही हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. यदि ये वैल्यू पर यूनिट में ना हो, यदि यहां पर एक्चुअल वैल्यू में हो, इट मीन्स जेड की वैल्यू ओम में गिवन हो, तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे. यदि वो पर यूनिट में है तभी हम यूज करेंगे. ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 13. ये कहता है कि ग्रे आयरन इज यूजुअली वेल्डेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग. तो इसका आंसर होगा गैस वेल्डिंग, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14. ये कहता है कि फॉर एक्टिव रीजन ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो यहां से देखिए, फॉर एक्टिव रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर पीएनपी टाइप का हो या फिर एनपीएन टाइप का हो, दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक्टिव रीजन में वर्क करने के लिए जो कंडीशन होगी दैट इज कि एमिटर जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस एंड जो कलेक्टर जंक्शन होगा दैट शुड बी रिवर्स बायस्ड. यहां से आप एमिटर जंक्शन को एमिटर बेस जंक्शन भी बोल सकते हैं और कलेक्टर जंक्शन को कलेक्टर बेस जंक्शन भी बोल सकते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन में एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में पूछा है. तो यहां से देखिए, दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसमें कि दिस टर्मिनल इज एमिटर, दिस इज कलेक्टर एंड दिस वन इज बेस. इसको एनपीएन बनाने के लिए दिस इज एन, दिस इज पी एंड दिस वन इज एन. सो फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर जो करंट का डायरेक्शन होगा, एमिटर करंट का डायरेक्शन होगा, दैट शुड बी लाइक दिस. ओके, और ये जो जंक्शन है एमिटर बेस जंक्शन, इसे फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए टू ऑपरेट इन एक्टिव रीजन. तो जब ये फॉरवर्ड बायस में हो उसके लिए ट्रांजिस्टर का एन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगा और ट्रांजिस्टर का पी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा. तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो एमिटर टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है और जो बेस टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है. ओके, तो आप ऑप्शंस को रीड करिए. ऑप्शन ए में कहता है कि एमिटर इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू बेस, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ऑप्शन बी कहता है कि एमिटर इज नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू बेस, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15. ये कहता है FETs आर व्हाट, यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स किस तरह के डिवाइस होते हैं. तो इसका आंसर होगा यूनिपोलर डिवाइस, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. वहीं अगर BJT के बारे में पूछता तो हम कहते BJT इज अ बाइपोलर डिवाइस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16. ये कहता है कि अ FET इज एसेंशियली अ विच टाइप ऑफ डिवाइस, यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर किस तरह का डिवाइस है. तो इसका आंसर होगा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, लेकिन यदि BJT के बारे में पूछता कि BJT किस तरह का डिवाइस है, तो BJT है करंट कंट्रोल डिवाइस. ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर
17 ये कहता है कि इन द विलो गिवन नेटवर्क द आइडियल क्लोज लूप वोल्टेज गेन इज व्हाट, यानी कि इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्लोज लूप वोल्टेज गेन कितना होगा। तो क्लोज लूप वोल्टेज गेन इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाय वीआई, ये जो वी नॉट है आउटपुट वोल्टेज और ये जो वीआई है इनपुट वोल्टेज, इन दोनों का रेशियो होगा क्लोज लूप वोल्टेज गेन। ये हमें फाइंड आउट करना है, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट। नाउ इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को आप देखिए कि जो फीडबैक गिवन है दैट इज नेगेटिव फीडबैक, यहां से आप देख सकते हैं दिस इज नेगेटिव फीडबैक, इसलिए हम यहां पर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। इसके अकॉर्डिंग VP इज इक्वल टू VN होता है, VP है पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज, यहां का वोल्टेज VP और VN है यहां का वोल्टेज। इसका मतलब वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दिस वोल्टेज VP विल बी इक्वल टू दिस वोल्टेज VN, और यहां से आप ऐसे देख सकते हैं VN और V0 बोथ आर सेम, तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि VN इज इक्वल टू V0, दिस इज इक्वेशन 1। और चूंकि यह ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट में कोई भी करंट नहीं जाएगा, इट मीन्स दिस करंट इज 0 एम्पीयर और दिस करंट इज ऑल्सो 0 एम्पीयर, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से और पॉजिटिव टर्मिनल से कोई भी करंट ऑप एम्प के अंदर नहीं जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जब इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा तो 100 किलो ओम रेसिस्टर के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो भी वोल्टेज हम यहां पर अप्लाई करेंगे वही वोल्टेज आपको यहां मिलेगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि VP इज इक्वल टू VI, तो यहां लिखिए VP इज इक्वल टू VI, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करिए, अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट VN और VP ये दोनों होंगे बराबर, तो आप लिख सकते हैं कि V0 और VI ये दोनों भी बराबर होंगे, V0 इज इक्वल टू VI। यहां से आप V0 डिवाइडेड बाय VI फाइंड आउट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1। ओके, सो क्लोज लूप वोल्टेज गेन इज इक्वल टू 1, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है कि व्हाट इज द रीडिंग इन किलोवाट ऑफ बोथ द वाट मीटर व्हेन मेजरिंग द पावर ऑफ अ 3-phase 3-wire सिस्टम हैविंग एन इनपुट ऑफ 5 kW एंड पावर फैक्टर ऑफ 0.866, यानी कि 3-phase सिस्टम में जो इनपुट पावर है 5 kW उसे हम 2 wattmeter मेथड से मेजर कर रहे हैं। इन केस ऑफ 2 wattmeter मेथड जब लोड का पावर फैक्टर 0.866 हो तो उस कंडीशन में यदि पहला वाटमीटर W1 रीडिंग शो करेगा तो दूसरा वाटमीटर 2 times of W1 रीडिंग शो करेगा, और दोनों वाटमीटर की रीडिंग का जो एडिशन होगा वही होगा हमारा टोटल 3-phase power। ओके, इस क्वेश्चन में टोटल 3-phase power गिवन है 5 kW, तो हमें दोनों वाटमीटर की रीडिंग बतानी है। यहां से आप बिना कैलकुलेशन किए भी ऑप्शंस को देख के ये बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि 1 wattmeter की रीडिंग दूसरे से डबल है, तो आप ऑप्शन बी को देखिए। ऑप्शन बी में एक रीडिंग है 1.67 और दूसरा पहले का 2 times है। ओके, सो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन कैपेसिटेंस CX एंड अननोन रेसिस्टेंस RX रेस्पेक्टिवली इन द सर्क्यूट गिवन बिलो व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू द डिटेक्टर D, यानी कि यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो ये केस होगा बैलेंस ब्रिज का। यदि हम इसमें आर्म नंबर को मेंशन करें तो इसे हम यदि 1 एज्यूम करते हैं तो इसे हम सेकेंड ब्रांच मानेंगे और ये होगा 3rd arm और ये होगा 4th arm। यहां से आप देखिए बैलेंस ब्रिज के केस में Z1, Z4
इज इक्वल टू जेड टू जेड थ्री। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको सी एक्स का रिजल्ट आएगा, दैट विल बी इक्वल टू आर फोर डिवाइडेड बाय आर थ्री मल्टीप्लीकेशन विथ सी टू। जब यहाँ पर आर फोर, आर थ्री और सी टू की वैल्यू पुट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 50 माइक्रोफेरड। और इसको सॉल्व करने के बाद एक आर एक्स का भी रिजल्ट आएगा, दैट विल बी इक्वल टू सी फोर डिवाइडेड बाय सी टू मल्टीप्लीकेशन विथ आर थ्री। ओके, जब इसमें आप सी फोर, सी टू एंड आर थ्री की वैल्यू पुट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 64 ओम। तो ऑप्शन सी को देखिए, 50 माइक्रोफेराड एंड 64 ओम, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। ये कहता है कि 2 वोल्ट मीटर ऑफ 0 टू 300 वोल्ट रेंज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू एसी सर्किट व्हेन 1 वोल्ट मीटर इज मूविंग आयरन टाइप रेज 200 वोल्ट इफ द अदर इज पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट देन इट्स रीडिंग विल बी व्हाट। यहाँ इस क्वेश्चन में एसी सर्किट की बात की है, तो जाहिर सी बात है कि वोल्टेज का जो वेवफॉर्म होगा दैट शुड बी साइनोसॉइडल इन नेचर। और यदि इस तरह के वोल्टेज वेवफॉर्म को मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से हम पास कराएं तो ये इंस्ट्रूमेंट इसका आरएमएस वैल्यू देगा, लेकिन यदि सेम वेवफॉर्म को हम पीएमएमसी से पास कराएं तो पीएमएमसी एवरेज वैल्यू देता है जो कि आपको 0 बताएगा। ओके, इन दिस केस आंसर विल बी 0 वोल्ट, सो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। ये कहता है कि रेसिस्टेंस आर इज मेजर्ड बाय अमीटर वोल्टमीटर मेथड, द वोल्टमीटर रीडिंग इज 200 वोल्ट एंड इट्स इंटरनल रेसिस्टेंस इज 2 किलो ओम। इफ द अमीटर रीडिंग इज फाउंड टू बी 2 एम्पीयर देन वैल्यू ऑफ आर इज व्हाट। इट मींस क्वेश्चन में ये कहा है कि हमें इस रेसिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए हमने वोल्टमीटर आमीटर मेथड यूज किया है। यहाँ से आमीटर की रीडिंग 2 एम्पीयर है, इट मींस यहाँ से 2 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है और इस वोल्टमीटर की रीडिंग 200 वोल्ट है जबकि इसका इंटरनल रेसिस्टेंस 2 किलो ओम है। तो आप बताइए कि इस रेसिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी, दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ देखिए इस सर्किट को हम सिंप्लीफाई करते हैं, दिस रेसिस्टेंस इज आर और ये जो रेसिस्टेंस है दिस इज रेसिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर यानी कि 2 किलो ओम। ओके, और यहाँ पर वोल्टमीटर लगा हुआ है, जैसा कि हमें पता है कि वोल्टमीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस उसके पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, इसलिए हमने इसे यहाँ कनेक्ट किया पैरेलल विद द वोल्टमीटर। अब वोल्टमीटर की जो रीडिंग होगी दैट इज 200 वोल्ट, उसे हमने यहाँ मार्क किया 200 वोल्ट। यहाँ पर एमीटर लगा हुआ है जो कि रीड कर रहा है 2 एम्पीयर, तो हम यहाँ से 2 एम्पीयर का करंट फ्लो करवाते हैं। 2 किलो ओम रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज 200 वोल्ट, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो होगा 200 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2000 ओम, यानी कि आपको यहाँ पर मिलेगा 0.1 एम्पीयर। 0.1 एम्पीयर का करंट इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है जबकि यहाँ से 2 एम्पीयर का करंट आ रहा है, तो रिमेनिंग 1.9 एम्पीयर का करंट इस आर रेसिस्टर के थ्रू जाएगा 1.9 एम्पीयर। ओके, तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि इस रेसिस्टर आर की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू इसके अक्रॉस का वोल्टेज यानी कि 200 वोल्ट डिवाइडेड बाय इसके थ्रू फ्लो होने वाला करंट यानी कि 1.9 एम्पीयर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आर की वैल्यू मिलेगी एंड दैट विल बी इक्वल टू 105.26 ओम। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। ये कहता है कि द इलेक्ट्रिक मोटर यूज्ड इन पोर्टेबल ड्रिल्स इज व्हाट। तो इसका आंसर होगा यूनिवर्सल मोटर, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। ये कहता है कि द मेथड सुटेबल फॉर
हीटिंग ऑफ कंडक्टिंग मीडियम इज व्हाट, तो इसका आंसर होगा इंडक्शन हीटिंग। यही मेथड है विच इज सुटेबल फॉर हीटिंग ऑफ कंडक्टिंग मीडियम, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। ये कहता है कि 600 टर्न कॉइल हैज रेसिस्टेंस ऑफ 7 ओम्स एंड इंडक्टेंस ऑफ 0.8 हेनरी इफ 1/5 ऑफ द टर्न्स आर रिमूव्ड, देन डिटरमिन द न्यू इंडक्टेंस इन हेनरी। यहां देखिए, दिस इज अ कॉइल हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स एन। हम ये मानते हैं कि इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स है और जो इसका लेंथ है दैट इज एल, यानी कि यहां से यहां तक का जो लेंथ है दैट इज एल। इस क्वेश्चन में इस कॉइल के कोर के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम एयर कोर कॉइल लेंगे। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 1/5 ऑफ द टर्न्स आर रिमूव्ड, पहले कॉइल ये था, अब इसके 1/5 टर्न्स को रिमूव कर दिया गया, यानी कि कॉइल का ये वाला जो पोर्शन है इसे हम रिमूव कर दिए, तो हमें ये कॉइल बन गया। ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स बचेंगे। 1/5 नंबर ऑफ टर्न्स रिमूव करने के बाद जो नंबर ऑफ टर्न्स बचेंगे दैट विल बी 4/5 टाइम्स ऑफ एन। ओके, क्वेश्चन में एन की वैल्यू गिवन है 600 टर्न, आप चाहें तो 600 लेके चलें या फिर सिंपली एन लेकर आगे बढ़ें। ओके, यहां पर हमने देखा कि 1/5 टर्न्स को रिमूव करने के बाद जो नंबर ऑफ टर्न्स बचेंगे वो होगा 4/5 टाइम्स ऑफ एन। अब हम देखते हैं इसके लेंथ के बारे में कि जब हम इसके 1/5 टर्न्स को रिमूव कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये कॉइल छोटी हो जाएगी और जो इसका लेंथ होगा वो भी छोटा हो जाएगा, और वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 4/5 टाइम्स ऑफ एल। यदि पहले लेंथ एल था तो अब होगा 4/5 टाइम्स ऑफ एल, क्लियर। लेकिन यदि हम कॉइल के क्रॉस सेक्शन एरिया की हम बात करें, यानी कि दिस पोर्शन की हम बात करें, तो कॉइल का क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं होगा। यदि इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया ए था तो इसमें भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए ही होगा। दोनों कॉइल का मटेरियल भी सेम है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो म्यू की वैल्यू इसमें होगी वही म्यू की वैल्यू इस कॉइल के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ओके, नाउ हम इसे मानते हैं केस नंबर 1 और ये होगा केस नंबर 2। तो इंडक्टेंस के फॉर्मूला से आप देखेंगे L इज इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू ए डिवाइडेड बाय L। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले वाले केस में जो इंडक्टेंस की वैल्यू है दैट इज 0.8 हेनरी, तो हम इसे L1 इज इक्वल टू 0.8 हेनरी लिखते हैं। नाउ न्यू इंडक्टेंस यानी कि दूसरे केस का इंडक्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर। दूसरे केस में जो नंबर ऑफ टर्न्स है दैट इज 4/5 टाइम्स ऑफ एन, यानी कि 4/5 का स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। नाउ म्यू को हम एज इट इज लिखेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज नहीं हुआ है उसे भी हम एज इट इज लिखेंगे। सेकेंड केस में लेंथ ऑफ एयर गैप 4/5 टाइम्स ऑफ एल हो चुका है, तो हम एल की जगह पे लिखेंगे 4/5 टाइम्स ऑफ एल। ओके, यहां से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी कैंसल आउट और आप ये कहेंगे कि 4/5 टाइम्स ऑफ L1, यानी कि जो इंडक्टेंस की वैल्यू पहले गिवन था उसका 4/5 टाइम्स हो जाएगा। 4/5 मल्टीप्लीकेशन विथ 0.8, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.64 हेनरी, दिस इज द करेक्ट आंसर। लेकिन आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शंस में 0.64 हेनरी गिवन नहीं है, फिर भी हम 0.64 हेनरी के नियर अबाउट यानी कि इस ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक पॉइंट बताना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यदि आप कहीं और देखेंगे तो हो सकता है आपको ऐसा मिले कि जो मैंने यहां पर लेंथ को चेंज किया 4/5 टाइम्स ऑफ एल लिखा
और आपको कहीं और सॉल्यूशन में 4/5 टाइम्स ऑफ एल ना मिले, वो लेंथ को चेंज ना करे, तो वैसे केस में से आपको डायरेक्ट 0.512 हेनरी मिल सकता है जो कि ऑप्शन में गिवन है। तो यहां से आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि आप इसके लेंथ को चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप लेंथ को चेंज नहीं करते हैं, दूसरे केस में भी एल ही लेकर चलते हैं, तो जो आपका प्रोसीजर होगा दैट इज रॉन्ग। आपको आंसर तो मिल जाएगा लेकिन आपका प्रोसीजर सही नहीं होगा। आपका जो सही प्रोसीजर होगा वो यही होगा जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है। ओके, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 ये कहता है कि मैग्नेटिक सर्किट ऑफ रिलक्टेंस 3000 एम्पियर टर्न्स पर वेवर इज वाउंडेड बाय अ वायर ऑफ 400 टर्न्स। डिटरमिन द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द क्वाइल इफ अ 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन द क्वाइल इज रिवर्स्ड इन 15 सेकेंड्स। यहां से आपको रिलक्टेंस की वैल्यू गिवन है विच इज 3000, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है विच इज 400 टर्न्स। यहां से आप इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 53.33 हेनरी। नाउ क्वेश्चन में कहा है कि 2 एम्पीयर करंट रिवर्स होता है इन 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में 2 एम्पीयर करंट रिवर्स हो जाता है, इसका मतलब यदि वो पहले 2 एम्पीयर था तो अब रिवर्स होके -2 एम्पीयर हो चुका है। तो इसलिए आप DI/DT की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विच विल बी इक्वल टू चेंज इन करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन करंट कितना होगा, 2 एम्पीयर से -2 एम्पीयर जाने में चेंज इन करंट इज 4 एम्पीयर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। कितने टाइम में ये चेंज होता है, 15 सेकेंड्स। यहां से आपको DI/DT की वैल्यू मिल गई। आपसे पूछा है कि आप इंड्यूस्ड ईएमएफ बताइए, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू LDI/DT। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 14.22 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 ये कहता है कि फॉर द फिगर शोन बिलो द परमिएबिलिटी इन द कोर इज 4×10⁻⁴ वेवर अपॉन एम्पियर टर्न्स मीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इन टेस्ला इन द कोर। तो इस फिगर को देखिए, यहां से आपको मीन लेंथ एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी सबसे पहले। तो एल विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस, जिसके लिए आपको रेडियस गिवन है, तो लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr। इट मीन्स 2π मल्टीप्लीकेशन विथ r की वैल्यू 0.05 मीटर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 0.314 मीटर। ये हुआ l की वैल्यू। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी b विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एच। यहां से म्यू जो है दिस इज परमिएबिलिटी, इस म्यू को आप म्यू नॉट इंटू म्यू आर लिख सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को आप पढ़िए, ये कहता है कि परमिएबिलिटी इन द कोर इज 4×10⁻⁴। ये बताता है कि कोर में जो परमिएबिलिटी है वो 4×10⁻⁴ है, यानी कि हम यहाँ पर म्यू की वैल्यू लेंगे 4×10⁻⁴। इस वैल्यू को हम रिलेटिव परमिएबिलिटी यानी कि म्यू आर नहीं कंसिडर करेंगे। ओके, नाउ दिस वैल्यू इज मल्टीप्लाई विथ एच। एच को हम लिखते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इंटू वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाय एल। यहां पर आप नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू 60 जो गिवन है उसे आप पुट करेंगे, करंट की वैल्यू जो 5 एम्पीयर गिवन है इसे आप पुट करेंगे, और एल की वैल्यू 0.314 मीटर जो हमने फाइंड किया है उसे आप पुट करेंगे, तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू जो मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू 0.382 टेस्ला। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके,
नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 26 ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लो फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन ऑफ एसी सीरीज मोटर. इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस को आप रीड करिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी. ये कहता है कि इट इम्प्रूव्स इट्स कम्यूटेशन प्रॉपर्टी, पावर फैक्टर एंड एफिशिएंसी. लो फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन में इसका पावर फैक्टर भी इम्प्रूव होगा, एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगा और कम्यूटेशन प्रोसेस भी इम्प्रूव होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 27 ये कहता है कि व्हेन द लोड ऑन अ रिलक्टेंस मोटर इज इंक्रीज सो दैट इट कैन नॉट मेंटेन सिंक्रोनस स्पीड देन द मोटर विल व्हाट. तो इसका आंसर होगा कि द मोटर विल रन एज इंडक्शन मोटर, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, यहां पर क्वेश्चन नंबर चेंज कर लीजिए, ये है क्वेश्चन नंबर 28 और दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 27th एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 26. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29 ये कहता है कि द टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैविंग द हाईएस्ट पावर फैक्टर एट फुल लोड इज व्हाट. तो इसका आंसर होगा कैपेसिटर रन टाइप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 30 ये कहता है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ अ सिंगल फेज मोटर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सर्क्यूट बाय मींस ऑफ अ व्हाट. इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है और उसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज करते हैं. लेकिन सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि यह एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है. रेफ्रिजरेटर में जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज होता है उसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करने के लिए हम कौन सा मैकेनिज्म यूज करते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन. तो इसका आंसर आप सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं बताइएगा, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, इस क्वेश्चन को और भी क्लैरिफाई करने के लिए मैंने रेफ्रिजरेटर के सर्किट का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे शो किया है, जिसमें दिस इज मेन वाइंडिंग, दिस वन इज ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये है रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर मोटर और दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले जो कि यूज किया जाता है टू कनेक्ट द ऑक्सिलरी वाइंडिंग ड्यूरिंग स्टार्टिंग एंड डिस्कनेक्टेड व्हेन द कंप्रेसर मोटर पिक्स अप द स्पीड. ओके, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले यूज करते हैं. ये रिले के दो कॉन्टेक्ट्स हैं. यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज नॉट द करेक्ट आंसर, मैग्नेटिक रिले विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 31 ये कहता है कि इफ द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज TST4 डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग देन फॉर स्टार्ट डेल्टा स्टार्टिंग ऑफ द सेम मोटर इज व्हाट. जब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग टॉर्क हो वो TST हो, तो स्टार डेल्टा स्टार्टिंग में जो टॉर्क की वैल्यू होती है दैट विल बी TST/3. यहां से आप ऑप्शन ए को मार्क करेंगे. यदि यहां स्टार्टिंग करंट के बारे में पूछा होता तो स्टार्टिंग करंट भी 1/3 हो जाता है. ओके, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 32 ये कहता है कि 4-पोल 3-फेज इंडक्शन मोटर रन्स एट 1440 आरपीएम ऑन 50 हर्ट्ज सप्लाई, फाइंड द स्लिप स्पीड. क्वेश्चन में स्लिप स्पीड पूछा है, तो स्लिप स्पीड इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ सिंक्रोनस स्पीड. या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि स्लिप स्पीड वो स्पीड है जिस स्पीड से इंडक्शन मोटर का रोटर स्लिप हो गया है, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड से पीछे रह गया है. सो इसे आप NS-NR लिखेंगे. जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर आएगा 60 RPM. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 ये कहता है कि डिटरमिन द एडी करंट लॉस इन वॉट इन अ मटेरियल हैविंग एडी करंट कोफिशिएंट ऑफ 1, थिकनेस ऑफ 0.04 मीटर, वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूबिक मीटर, विच इज कैप्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड हैविंग अ मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 4 टेस्ला एंड सप्लाइड बाय अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। इस क्वेश्चन में आपको एडी करंट लॉस फाइंड आउट करना है, तो एडी करंट लॉस PE विल बी इक्वल टू एडी करंट कोफिशिएंट KE इनटू मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर इनटू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर इनटू थिकनेस ऑफ लेमिनेशन T स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। दिस V इज वॉल्यूम, इसे आप वोल्टेज कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, जब यहाँ पे सारे वैल्यूज को आप पुट करिएगा तो आंसर आएगा आपको 128 वॉट, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 ये कहता है स्कॉट कनेक्शंस आर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर होगा स्कॉट कनेक्शंस आर यूज्ड फॉर 3-phase to 2-phase ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ फिर से क्वेश्चन नंबर मिसमैच हो गया है, आप इसे करेक्ट कर लें। दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32, दिस इज क्वेश्चन नंबर 33 एंड दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 ये कहता है कि इफ कॉपर लॉस ऑफ अ ट्रांसफार्मर एट 7/8 टाइम्स ऑफ फुल लोड इज 4900 वॉट, देन इट्स फुल लोड कॉपर लॉस वुड बी वॉट। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 6400 वॉट, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 ये कहता है कि अंडर कॉमुटेशन गिव्स राइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर होगा स्पार्किंग एट द ट्रेलिंग एज ऑफ द ब्रश, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 ये कहता है कि फॉर अ डीसी जनरेटर इफ द ब्रशेस आर गिवेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड शिफ्ट द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज व्हाट। इट मींस क्वेश्चन में ये पूछता है कि आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट कैसा होगा जब हम डीसी जनरेटर में उसके ब्रश को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे। तो इसका आंसर होगा आर्मेचर रिएक्शन विल बी पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग एंड पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इन नेचर, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 ये कहता है कि डीसी सीरीज मोटर इज रनिंग एट रेटेड स्पीड विदाउट एनी एडिशनल रेसिस्टेंस इन सीरीज। इफ एन एडिशनल रेसिस्टेंस इज प्लेस्ड इन सीरीज द स्पीड ऑफ मोटर इज व्हाट। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि यदि हम सीरीज मोटर में एडिशनल रेजिस्टेंस ऐड कर दें तो उससे स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा। जब हम रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो रेजिस्टेंस के ऐड करने की वजह से इसका जो बैक ईएमएफ होगा वो कम हो जाएगा, और बैक ईएमएफ कम होने से मोटर की स्पीड कम हो जाएगी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा स्पीड ऑफ मोटर विल डिक्रीज, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 ये कहता है कि अ सिंक्रोनस मोटर कैन बी यूज्ड एज सिंक्रोनस कंडेंसर व्हेन इट इज विच ऑफ द फॉलोइंग। कि सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह कब वर्क करेगा, जब इसका एक्साइटेशन नॉमिनल एक्साइटेशन से ज्यादा हो, यानी कि जब यह मोटर ओवर एक्साइटेड मोड में होगा तब यह सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह एक्ट करेगा। ओके, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 ये कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड गिव अ हायर देन एक्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर। तो इसका आंसर होगा ईएमएफ मेथड, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 ये कहता है कि इफ द एक्साइटेशन ऑफ एन अल्टरनेटर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विद द अदर अल्टरनेटर इज इंक्रीज्ड अबव द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द एक्साइटेशन, इट्स
पावर फैक्टर इज व्हाट, यानी कि यदि अल्टरनेटर का एक्साइटेशन नॉर्मल वैल्यू से इंक्रीज कर दिया जाए तो उसका पावर फैक्टर क्या होगा। तो यहाँ से देखिए, दिस इज इन्वर्टेड वी कर्व, जिसमें कि दिस इज नॉर्मल एक्साइटेशन ई नॉट, और इस एक्साइटेशन पे जो पावर फैक्टर होता है दैट इज यूनिटी पावर फैक्टर। इन केस ऑफ जनरेटर दिस इज लीडिंग एंड दिस वन इज लैगिंग पीएफ। तो क्वेश्चन में कहा है कि यदि नॉर्मल वैल्यू ऑफ एक्साइटेशन से एक्साइटेशन को इंक्रीज कर दिया जाए तो किस तरह का पावर फैक्टर होगा, पावर फैक्टर विल बिकम लैगिंग। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 ये कहता है कि इन एन अल्टरनेटर द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज मिनिमम एट पावर फैक्टर ऑफ व्हाट, किस पावर फैक्टर पे आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट मिनिमम होगा, तो पावर फैक्टर विल बी यूनिटी, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यूनिटी पावर फैक्टर पर सिर्फ क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होता है जो कि मिनिमम इफेक्ट डालता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 ये कहता है कि डैम्पर वाइंडिंग इन सिंक्रोनस मोटर इज यूज टू व्हाट। तो सिंक्रोनस मोटर के केस में जो हम डैम्पर वाइंडिंग यूज करते हैं उसका दो पर्पस होता है। पहला ये कि सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग यूज करते हैं। और डैम्पर वाइंडिंग का दूसरा जो पर्पस है वो ये कि सप्रेस हंटिंग। सिंक्रोनस मोटर या सिंक्रोनस जनरेटर में जो हंटिंग फिनोमेनन होता है उसे कम करने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग यूज करते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 ये कहता है कि टर्बो अल्टरनेटर्स हैव रोटर्स ऑफ व्हाट, यानी कि टर्बो अल्टरनेटर में किस तरह का रोटर हम यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा स्मॉल डायमीटर एंड लॉन्ग एक्सियल लेंथ, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेकिन यदि ये हाइड्रो अल्टरनेटर का क्वेश्चन होता तो हम ये कहते कि इन केस ऑफ हाइड्रो अल्टरनेटर डायमीटर विल बी लार्ज एंड एक्सियल लेंथ विल बी स्मॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 ये कहता है कि द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज व्हाट। तो इसका आंसर होगा ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट इज ल्यूमेन, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 ये कहता है कि विच टाइप ऑफ लाइटिंग स्कीम इज यूज्ड इन स्टेडियम। तो इसका आंसर होगा फ्लड लाइटिंग, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 ये कहता है कि इन अ पावर प्लांट इफ द मैक्सिमम डिमांड ऑन द प्लांट इज इक्वल टू द प्लांट कैपेसिटी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसका आंसर होगा कि प्लांट रिजर्व कैपेसिटी विल बी जीरो, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। ओके, यदि आपको इस क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट है कि ये कैसे होगा तो आप एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड पावर प्लांट इकोनॉमिक्स का जो लेक्चर है उसे आप देख सकते हैं, वहां इस क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। ओके, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 ये कहता है फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ फ्यूज इज ऑलवेज व्हाट। तो इसका आंसर होगा फ्यूजिंग फैक्टर इज मोर देन वन, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। इसका आंसर होगा TIG वेल्डिंग, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, ये कहता है कि कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 60 वोल्ट इज अप्लाइड एट टी इज इक्वल टू जीरो अक्रॉस अ सीरीज RL सर्किट शोन इन द गिवन फिगर, डिटरमिन द करंट इन द सर्क्यूट एट टी इज इक्वल टू जीरो प्लस। यानी कि यदि हम इसके स्विच को टी इज इक्वल टू जीरो पर क्लोज करते हैं
तो स्विच के क्लोज होने के जस्ट बाद इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा। तो इसके लिए आप ये देखिए कि इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है IL 0 माइनस विल बी इक्वल टू IL 0 प्लस, यानी कि इंडक्टर अपने थ्रू फ्लो होने वाले करंट को सडनली चेंज नहीं करता है। स्विच क्लोज होने से पहले जो करंट की वैल्यू इस इंडक्टर में होगी वही करंट की वैल्यू स्विच क्लोज होने के जस्ट बाद भी होनी चाहिए। तो यहां से आप कहोगे कि जब स्विच ओपन था उस टाइम पर इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था, यानी कि IL 0 माइनस की अगर हम बात करें तो दैट विल बी 0 एम्पियर। सो वी कैन से दैट जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच द करंट विच विल फ्लो थ्रू द इंडक्टर विल बी IL 0 प्लस एंड दिस विल बी इक्वल टू IL 0 माइनस इट मीन्स 0 एम्पियर। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिए और शेयर करिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा ना लगे तो आप हमें कमेंट में ये बताएं कि किस तरह की कमी रह गई इस वीडियो में, ताकि मैं उसे सुधार सकूं और आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट ला सकूं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।